नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप आंगनवाड़ी में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आंगनवाड़ी में आ चुकी है इस साल 2024 की एक और नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की नई भर्ती के बारे में, जो कि आंगनवाड़ी की नई भर्ती है इस साल 2024 की। ये नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अलग ही स्टेट से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल पद आप देख सकते हैं 1150 पद यहाँ पर जारी गए हैं। और यहां पर कौन कौन सी पोस्ट है, तो आंगनवाड़ी हेल्पर की भर्ती है और आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती है। यहां पर जो योग्यता रखी गई है, कम से कम 10वीं कक्षा पास रखी गई है। दोस्तों, अगर आप केवल 10वीं क्लास पास है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप 12वीं क्लास पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो है 10वीं पास और 12वीं पास जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, 31 अगस्त 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो 31 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है और यहां पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, अपलोड करने हैं, वो भी हम आपको जानकारी देंगे ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लेंगे, तो आपको यहां पर जॉब मिल जाएगी, 100% जॉब मिल जाएगी। अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आपको यह नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब करें, यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। ये जो चलन है इंडिया का नंबर वन एजुकेशन चलन है, जहां पर आप देख सकते हैं 100% रियल जानकारी आपको दी जाती है। तो ये रहा लोगो और ये रहा सब्सक्राइब करने का बटन, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, यहां पर आपको आंगनवाड़ी की जो भी नई भर्तियां निकाली जाती है उसकी सबसे पहले आपको जानकारी दी जाती है। चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप मान लीजिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आपके स्टेट की आंगनवाड़ी की नई भर्तियों की जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हैं, जिसकी जानकारी आप हमारे चैनल से ले सकते हैं सब्सक्राइब करके। और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, tipsviral.xyz, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। वहीं हमारी दोस्तों सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं जल्द ही आपके सामने और कंप्लीट होने वाली है, technicalgovernmentjobstudy.com, ये भी हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर भी आप नई जॉब को फाइंड कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं आंगनवाड़ी की नई भर्ती के बारे में। तो आंगनवाड़ी की नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है इस साल 2024 की। आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी की भर्ती है, कहां से निकाली गई है, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से है, कर्नाटका की तरफ से। कौन कौन से पद हैं, दो प्रकार के पद आप देख सकते हैं यहां पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर। कितने पद हैं, 1150 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। आवेदन कैसे करना है, सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है कर्नाटका की, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपका नहीं रखा गया है, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अप्लाई करने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो यहां पर 28,000 रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है और एप्लीकेशन फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट जो है 18 से 35 साल रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आपकी एज है 18 से 35 तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा में छूट है, एससी एसटी को 5 साल की आयु सीमा में छूट मिलेगी, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट मिलने वाली है। वही क्वालिफिकेशन में 10th क्लास पास यानी 10वीं पास और 12th पास 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका की जॉब लोकेशन है। अगर आप कर्नाटक के अलावा और दूसरे स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा अपने स्टेट का नाम और अपना नाम, ठीक है। यहां पर जो आंगनवाड़ी की भर्ती है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी गई है। वही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आपके पास 4 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर आपकी 10वीं की मार्कशीट से लेकर के 12वीं की या ग्रेजुएट की जो भी आपके पास है, मान लीजिए अगर आपके पास केवल 10वीं की मार्कशीट है तो वो आपकी अपडेट होनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी जानकारी आप डालेंगे ऑनलाइन फॉर्म में वो 10वीं की मार्कशीट से आपको डालनी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो लगा सकते हैं। वोटर आईडी भी लगाना होगा, साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड
नीट का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने होंगे। बाकी आवेदन इसके दोस्तों शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 31 अगस्त तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा लिंक, यहां से आपको अप्लाई करना है, यहां से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। तो आज ही अप्लाई कीजिएगा और हमारी वेबसाइट पर विजिट करके, और भी नई भर्तियां हैं आंगनवाड़ी की। अगर आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहां पर आकर के आंगनवाड़ी की अलग अलग स्टेट की भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, यहां पर अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहां पर दिया गया है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।